सो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में एंड वेलकम बैक ऑन योर चैनल परमैन फैक्ट्स किंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी स्टोरी पार्ट 4 के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना चैनल को यार, देख के वीडियो। और अगर आप नए हो तो इस स्टोरी को 1 से देखना, क्योंकि ये स्टोरी पार्ट 4 है। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। ये पार्ट थोड़ा बड़ा है तो हम ज़्यादा वक्त लेंगे नहीं इस पार्ट को शुरू करने में। और यार, आपका अच्छा रिस्पांस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इस वीडियो को भी ऐसी रिस्पांस देना। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, लेट्स इंट्रो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे मिसू एकदम से स्काई में आ जाता है, और जब वो गिर रहा होता है तो उसका हाथ अचानक से कोई पकड़ लेता है और उसे अपनी स्पेसक्राफ्ट में बिठा लेता है। अब यहीं से मिसू सोचता है कि वो बच गया, और जब उसे लगता है कि कुछ नहीं हुआ उसके साथ, वो गिरा नहीं है और वो किसी चीज़ पर बैठा है, तो जब वो अपनी आँखें खोलता है तब वो पीछे देखता है कि मुझे किसने बचाया। और जब भी वो पीछे देखता है तो वो देखता है कि अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वही सीन जिसमें मिस्सू अब दोबारा देख रहा होता है पीछे। जब देखता है वो पीछे तो वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कोई इंसान उसके पीछे बैठा है, और वो उसने उसके जैसा ही मास्क पहन रखा है। इस यहाँ परमैन सेट की बात हो रही है, मास्क पहन रखा है जो कि उसके मास्क से थोड़ा सा लंबा है, और वो इंसान ने कुछ अजीब सी चीज जो उसकी पोशाक है उसकी, वो भी अजीब सी है, और उसका पूरा जो हुलिया देख के मिस्सू बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि ये क्या है। अब मिस्सू अपने मन में सोचता है कि ये कौन है और जिसने ऐसे अजीब से मास्क पहन रखा है और ऐसे अजीब से कपड़े पहन रखे हैं, और मैं यहाँ आया कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ, क्या ये मुझको यहाँ लाया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी इंसान ऐसे किसी को गायब करके अपने पास नहीं ला सकता। नहीं, मैं कोई सपना देख रहा हूँ और ये सपना जल्दी टूट जाएगा और मैं इस बेकार से सपने से बाहर आ जाऊँगा। पर ये सपना टूट क्यों नहीं रहा है, वो अपने आप को ऐसा कह के वो अपने आप के बाल जो है वो सिर पकड़ के बैठ जाता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है। बोलता है ये सपना है तो मुझे इसे बाहर निकलना है, क्योंकि ये सपना बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मैंने आज तक ऐसा सपना कभी देखा नहीं है। अब मिस्सू बोल रहा होता है अब मैं क्या करूँ। हाँ, अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि हाँ, अगर मैं यहाँ से कूद गया, इस स्पेसशिप से कूद गया तो शायद मैं बच जाऊँ, हाँ शायद मेरा सपना ही टूट जाए, ऐसा ही होता है। तो अब मैं यहाँ से कूदूंगा, मुझे इससे देखने से पहले ही यहाँ पे कूदना होगा। बर्डमैन सोच रहा होता है कि क्या कर रहा है और ये ऐसी अजीब सी हरकतें कर क्यों रहा है। अब मिस्सू अचानक से मिस्सू उस स्पेसशिप से कूद रहा होता है, और वो ये देख के हैरान हो जाता है कि ये सपना अभी तक टूटा नहीं है, और वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है। वो सोचता है कि जल्दी उसका सपना टूट जाएगा, लेकिन अभी तक उसका सपना टूटा नहीं है, और वो चिल्लाने लगता है डर के मारे। वो बोलता है कोई बचाओ, क्या ये सपना नहीं है? अरे नहीं, मैं तो सच में गिर रहा हूँ, अब मेरा क्या होगा। तभी बर्डमैन उसे वापस बुला लेते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करके। जब बर्डमैन उसकी तरफ देखते हैं तो वो देख कर हैरान हो जाते हैं कि मिस्सू बेहोश हो चुका है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है
सुमीरे को। सुमीरे अपना मास्क ढूंढ रही होती है, अपनी कॉस्ट्यूम, और जब वो एक नोटिस करती है अचानक से कि कोई इंसान उसका कॉस्ट्यूम लेके उड़ रहा है और उसे कुछ भी हैंडल करना नहीं आ रहा है, सुमीरे उसका पीछा करती है। अब वो इंसान इधर से उधर भाग रहा होता है, उसे वो और वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, बचाओ, अरे कोई बचाओ, ये क्या क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो ऐसे कह कह के वो ऐसे भाग रहा होता है और वो उड़ रहा होता है, मतलब उड़ रहा होता है इधर से उधर, उसका बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, और सुमीरे उसका पीछा कर कर के थक जाती है और वो एक जगह खड़ी बैठ जाती है। सुमीरे बोलती है कि अब मैं किससे कैसे लूँ, ये तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। और सुमीरे बोलती है कि मेरा चिल्लाना भी बेकार जाएगा क्योंकि ये मेरी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रहा है और मेरी आवाज़ वहाँ तक जाएगी भी नहीं, अब मैं क्या करूँ। अब वो इंसान दोबारा उसकी तरफ पास से जाता है, सुमीरे उसका पीछा करती है दोबारा, सुमीरे बहुत बुरी तरह से थक गई होती है। अब वो शख्स जो है वो अचानक से बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है और ज़ोर से बोलता है बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और वो देखता है कि सुमीरे देखती है कि सामने एक एरोप्लेन आ रहा है। सुमीरे बोलती है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये एरोप्लेन इसके चीथड़े उड़ा देगा, और ऐसा हुआ तो ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा, अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे कुछ कर भी तो नहीं सकती। वो शख्स धीरे धीरे पास आ रहा होता है एरोप्लेन के, और एरोप्लेन से बस थोड़ी दूरी पे वो होता है, और एरोप्लेन जल्द तेज़ी से उसके पास आ रहा होता है। तभी सुमीरे अपनी आँखें बंद कर लेती हैं डर के मारे और वो बोलती है कोई तो उसको बचाओ। तभी उसके सामने से एकदम साइड से होके एकदम हवा सी निकलती है, जिससे सुमीरे अचानक से देखती है कि वो क्या था, और तभी सीन चेंज होता है जिसमें दिखाया जाता है बर्डमैन को। बर्डमैन अब सोच रहा होता है कि क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं, लगता है मेरे को उसका उठने का इंतजार करना पड़ेगा। क्या मेरे पास एक शर्ट बचा है जो कि मैंने से लिया था, क्या मुझे इसको परमानेंट बनाना चाहिए, ये तो थोड़ी सी गिनने से ही बेहोश हो चुका है, हालांकि होते भी हैं, लेकिन क्या मैं इसको परमानेंट बनाऊं। अब बर्डमैन उसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन बर्डमैन की ये कोशिश नाकामयाब रहती है। अब सीन चेंज होता है जिसमें वही सीन दिखाया जाता है, अब दिखाया जाता है वो इंसान बहुत ज़्यादा पास आ रखा है और एरोप्लेन की टक्कर अचानक से होने वाली है। तभी सुमीरे एक चीज नोटिस करती है कि वहाँ पे एक छोटी चीज़ है जो कि उड़ रही है, और वो भी उसके जैसी एकदम स्ट्रेट उड़ रही है, लेकिन उसको वो बहुत अच्छी तरीके से उड़ रही है और वो उसकी तरफ ही जा रही है, और एरोप्लेन से उसकी टक्कर होने वाली होती है। तभी वो चीज़ उसको बचा लेती है और वो उसको बचा कर सीधा नीचे ले आती है। सुमीरे देखती रह जाती है कि वो थी कौन, वो कौन था जिसने इसको बचाया, और वो भी उड़ रहा है। वो जाती है वहाँ पर उस इंसान के पास, वो इंसान बुरी तरीके से बेहोश हो रखा है और उसे होश आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और सुमीरे ये देख के भी हैरान हो जाती है कि जिसने उसको बचाया था वो भी ज़मीन पर गिरा पड़ा है बेहोश होके, उसकी आँख बंद है। अब इसमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, एक छोटा सा फनीस्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें कबाओ साबू और बाकी बच्चे देखते हैं कि वो चीज़ उड़ रही है, और वो सोचते हैं कि यहाँ पे ये कोई एलियन है जो कि ह्यूमन को उठा के ले जा रहा है अपनी दुनिया में, तो ये सब बेकार सी चीज़ें सोच रहे होते हैं वो, और तभी उस पर पत्थरबारी कर देते हैं वो, जिससे एक पत्थर बूबी को बहुत ज़ोर से लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। अब सुमीरे अपना परमानेंट सेट लेती है और उसे छोटा करके अपनी जेब में रख लेती है, और फिर वो उसको उठाती है और बूबी उड़ता है। अब सुमीरे उसका शुक्रिया कहती है और बूबी थोड़ा स्माइल करता है, और बूबी को कुछ भी पता नहीं चलता कि सुमीरे ही पाको है, मतलब सुमीरे ही के पास ही परमानेंट सेट था, क्योंकि वो बेहोश हो जाता है, इससे सुमीरे का काम भी आसान हो जाता है और वो उस इंसान की मदद भी हो जाती है। अब सुमीरे उससे बहुत ज़्यादा खुश होती है और
वो सुमेरे की चादर पकड़ता है और बोलते हैं कि उसका नाम बूबी है। लेकिन सुमेरे को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो एक मंकी है। अच्छा, तो सुमेरे उसकी बात में हाँ कहती रहती है और अचानक से वो बंदर एक जगह की तरफ इशारा करता है। सुमेरे वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे केले हैं, तो सुमेरे फिर उसे केले दिलवा देती हैं और ये केले दिखाकर वो बंदर बहुत ज़्यादा खुश होता है और छलने लगता है। फिर अब सीन चेंज होता है जिसमें दिखा जाता है परमैन को। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो रखा है और परमैन अब उठता है, मेरा मतलब मिस्सू जब उठता है तो वो देखता है कि हाँ अच्छी नींद आई लेकिन सपना बहुत बेकार था। अब मिस्सू इधर उधर देखता है कि मेरा रूम कहाँ है। अब जब वो देखता है कि ये जगह तो वही है, क्या मैं अब भी सपने में हूँ। परमैन उसे चाटा मारता है और बोलता है ये क्या लगा रखा सपना, ये एकदम सच है और अगर तुमने एक और बार सपना कहा तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा। ये सुनते ही मिस्सू के रोंगटे कांप जाते हैं और मिस्सू जब देखता है स्पेसशिप से नीचे तो वो हड़बड़ाकर नीचे गिर जाता है, मतलब बैठ जाता है और बोलता है हम हवा में हैं। बर्डमैन बोलता है हाँ मुझे पता है। वो मिस्सू बोलता है पर हम हवा में कैसे हैं और वो भी बिना एरोप्लेन के हम हवा में, और ये चीज़ क्या है। ये बर्डमैन बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम बहुत जल्द चौंक रहे हो लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये स्पेसक्राफ्ट है और ये एक स्पेसशिप की तरह ही होती है। अब ये हवा में उड़ सकती है और ये कितने भी वेट को उठा सकती है अपने सर पे। मिस्सू बोलता क्या बकवास है, मुझे अपने घर पे जाना है, मुझे अपने घर पे जान दो। जिसके रिप्लाई में बर्डमैन बोलता है नहीं, पहले तुम मुझे वो परमानेंट सेट वापस करो। मिस्सू बोलता है वो नहीं, वो मैं आपको कभी नहीं दूंगा। बर्डमैन बोलता है अगर मुझे वो लेना होता तो मैं तुमसे वैसे भी ले लेता लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है। मिस्सू बोलता है तुम मुझसे कैसे ले लेते जब तुम बेहोश थे। अब मिस्सू बोलता है अच्छा तो वो सपना नहीं था। बर्डमैन इसे एक और चाटा मारता है, बोलता है फिर से सपना। मिस्सू गुस्सा में आता है, बोलता है हाँ हाँ, और मिस्सू बोलता है कि ये पैसे भी मेरे को मिला था और अब मैं उसे वापस नहीं करने वाला। बर्डमैन बोलता है पर ये मेरा है। मिस्सू बोलता है नहीं मैं इसे वापस नहीं करूँगा क्योंकि ये मुझे मिला है और हाँ तुम्हारा कैसे हो गया, ये तो ऊपर से गिरा था और हाँ वैसे भी मेरा एक लॉ है जो भी चीज़ मुझे मिलती है वो उसे वापस नहीं करता। मिस्सू इसे ऐसे ही बोल रहा है जबकि मिस्सू हर किसी से बहुत ही अच्छे से पेश आता है लेकिन यहाँ मिस्सू बहुत ज़्यादा डर रखा है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। और मिस्सू को परमैन सेट अच्छा लगता है इसलिए वो इसे वापस करना नहीं चाहता, ये बात बर्डमैन को अच्छे से पता है। अब मुझे अपने घर जान दो, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता और तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हें वो सेट नहीं दूंगा और अगर कुछ और चाहते हो तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा, तुम जो भी कराना चाहते हो मैं कर दूंगा लेकिन मेरे को अपने घर जाना है। बर्डमैन बोलता है नहीं देखो बच्चे ये परमानेंट सेट है, ठीक है, ये कोई छोटी मोटा खिलौना नहीं जिसे कोई भी ले ले, इसके लिए तुम्हें इसके लायक बनना होगा। मिस्सू बोलता है मैं इसके लायक हूँ। बर्डमैन बोलता है तुम बिल्कुल नहीं हो, तुम्हें इसके लिए अपने आप को सुधारना पड़ेगा। मिस्सू बोलता है हाँ मैं सुधार लूँगा अपने आप को। बर्डमैन बोलता है तुम अब भी नहीं समझे क्या, मेरा मतलब तुम इस परमानेंट सेट को नहीं ले सकते। मिस्सू बोलता है मुझे अपने घर जाना है। अब मिस्सू सोचता है हाँ मेरे पास तो परमानेंट सेट है। अब मिस्सू उसको खोलता है और उसके सामने उसे पहन रहा होता है और बैडमैन बोलता है वाह तो तुम्हें इसे खोलना पहनना आ चुका है। अब मिस्सू उसे पहन के उड़ रहा होता है तभी बैडमैन उसका पैर पकड़ लेता है। अब मिस्सू अपना पैर छुड़ा रहा है और उसे लात मारता है उसके हाथ पर जिससे बर्डमैन को लग जाती है। तो बर्डमैन बोलता है बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब बर्डमैन उसे लेजर बीन से मारता है लेकिन मिस्सू उसे डॉज कर लेता है बहुत अच्छी तरीके से जिसे देखकर बर्डमैन थोड़ा चौंक जाते हैं। फिर बर्डमैन दोबारा उस पर अटैक करते हैं जिससे मिस्सू
दोबारा बच जाता है। बर्डमैन उस पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन विश्व डॉच कर लेता है। बर्डमैन सोचता है मानना पड़ेगा, सच में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अब बर्डमैन बोलते हैं लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। अब बर्डमैन दोबारा उस पर अटैक कर रहे होते हैं, तभी मिस्सू सोचता है अब मुझे क्या करना होगा, ऐसे तो मेरे को ये बीन लग जाएगी जिससे मैं हार जाऊँगा। अब अचानक से उसे याद आता है कि बीम रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। हाँ, उसे एक आइडिया आता है। अब वो कहीं पर जाके छुप जाता है। बर्डमैन बोलता है क्या डरपोकों की तरह छुप रहे हो, अगर तुम्हें परमैन बनना है तो मेरा सामना करना पड़ेगा। अब तभी परमैन अब अचानक से बाहर निकलता है और बोलता है हाँ ठीक है। अब परमैन का एक हाथ पीछे होता है जिससे बर्डमैन कुछ समझ नहीं पाता कि ये क्या करना चाह रहा है। अब तभी बर्डमैन अपनी लेजर बीम से उस पर हमला करता है। अब मिस्सू वहीं पर खड़ा होता है। बर्डमैन बोलता है कि ये क्या कर रहा है, मिस्सू से थोड़ा सा नीचे होता है। अब जैसी लेजर बीम उस पर लगने वाली होती है जस्ट सेकंड, वो अपना हाथ आगे करता है जिससे कि वो मिरर, उसके हाथ में एक मिरर होता है, वो आगे आता है और लेजर बीम उससे रिफ्लेक्ट होके बर्डमैन की तरफ आ रही होती है। लेकिन बर्डमैन उसे डॉज कर लेता है। लेकिन डॉज करते वक्त बर्डमैन के स्पेस क्राफ्ट में छोटी सी जगह लग जाता है, वो बीम लग जाती है जाकर। बर्डमैन नीचे गिरते गिरते बर्डमैन के हाथ में एक बीम और चलती है जिससे मिस्सू को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। बर्डमैन ने ये बीम आप जान के चलाई होती है। अब ये बीम जाके मिस्सू को लग जाती है और मिस्सू बहुत बुरी तरीके से ज़मीन पर गिर जाता है। अब बर्डमैन के स्पेसक्राफ्ट गिर रहा होता है नीचे। अब बर्डमैन हवा में उड़ जाते हैं। अब बोलते हैं उससे कि मिस्सू कैसा लगा, मैंने कहा था ना तुम मुझसे नहीं जीत सकते, और हाँ बच्चे तुमने मेरा स्पेसक्राफ्ट ख़राब करा है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और एक बात और कहूँ, पहले तो मैं तुम्हारी काबिलियत देख के हैरान हो गया था, और ऐसे पहले इंसान तुम हो जिसने मेरे सामने इतनी देर तक टिक पाए, और लेकिन अब मुझे पता था कि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। मिस्सू उसकी बात सुनना होता है लेकिन उसका ध्यान अचानक से नीचे की तरफ जाता है और वो स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रही होती है, और वो अचानक से उसकी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड तेज़ हो जाती है और वो नीचे की तरफ गिर रही होती है, क्योंकि जब वो स्पेस में लगी होती है तो स्पेसक्राफ्ट में इतनी एनर्जी तो होती है कि वो थोड़ी देर अपना सामान ले, लेकिन जब उसकी एनर्जी सारी ख़त्म हो जाती है तो वो स्पेसक्राफ्ट नीचे की तरफ गिर रही होती है बहुत तेज़ी से। मिस्सू बर्डमैन का ध्यान इसकी तरफ बिल्कुल नहीं होता है। बर्डमैन बोलता है अब तुम क्या कहना चाहोगे, अब वो परमैन सेट सीधे सीधे मेरे हवाले कर दो। अब मिस्सू नीचे देखता है कि नीचे एक पपी खड़ा है जो कि उसके ऊपर ही स्पेसक्राफ्ट गिरने वाली है, और उसके बच्चे नीचे उसकी ओर खड़े हुए हैं। अब मिस्सू देखता है और मिस्सू अचानक से देखता है बर्डमैन की तरफ। बर्डमैन उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़े होते हैं। अब मिस्सू सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इनको बचाना पड़ेगा वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब बर्डमैन सोचता है और पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, परमैन सेट देना या फिर जान से हाथ खोना, या फिर मेरा दूसरा तरीका है तुमसे परमैन सेट निकलवाने का। तभी मिस्सू अचानक से बोलता है बर्डमैन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया और मैं अपना परमैन सेट दे रहा हूँ आपके चरणों में। वो परमैन सेट को नीचे झुक के परमैन सेट उतार रहा होता है, तभी बर्डमैन को लगता है कि वो उतार रहा है, तभी मिस्सू उसका पैर पकड़ता है और पैर पकड़ के उसे गिरा देता है, जोर से फेंकता है ज़मीन की तरफ, जिससे बर्डमैन को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता और बर्डमैन अचानक से नीचे जाके गिर जाता है। अब मिस्सू जाता है नीचे की तरफ जाकर उस स्पेसक्राफ्ट को पकड़ लेता है एंड वक्त पे उसे पकड़ लेता है और उस स्पेसक्राफ्ट को बगल में फेंक देता है। अब मिस्सू की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है क्योंकि उस पर बीम लग चुकी होती है,
जिससे उसकी एनर्जी ख़त्म हो रखी होती है और कुछ एनर्जी उसने पपीज को बचाने में लगा दी होती है। अब मिस्सू बहुत बुरी तरीके से ज़मीन पर गिर जाता है और बर्डमैन तभी आते हैं और बोलते हैं, लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं है। उनके बोलने से पहले ही मिस्सू बोलता है, बर्डमैन आपको जो करना कर लीजिए, आपको परमानेंट सेट लेना है तो ले लीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको परमानेंट सेट दे दूंगा। बर्डमैन उसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और उसकी तरफ बैठते हैं, बैठकर उसकी मास्क की तरफ देख रहे होते हैं। मिस्सू अपनी आंखें बंद करता है और तभी ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपका एपिसोड अच्छा लगा होगा। और क्या बर्डमैन परमानेंट सेट की सेट ले लेंगे या नहीं, इसका जवाब तो यार अगले एपिसोड में मिल ही जाएगा। तो चैनल को लाइक मारना, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो चैनल को यार, और शेयर मारो अपने दोस्तों में। और हाँ, आई गेस लाइव स्ट्रीम चलेगी और लाइव स्ट्रीम के बारे में सोचा भी है, तो यार लाइव स्ट्रीम फ्री फायर की अभी गैरिना भी आएगी, मैंने इसके बारे में स्टोरी डाली थी, अगर आपने देखी होगी तो बढ़िया, लेकिन मैं अभी आपको बता दूँ लाइव स्ट्रीम जो होगी गेम प्ले की वो आने वाली है, तो उसमें भी यार आना, ज्वाइन होना। और वो उसकी डेट अभी फिक्स नहीं है क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है ज़्यादा कुछ। और हाँ यार, इस पार्ट को शेयर करना अच्छे से, अच्छा जितना रेस्पॉन्स दे सको दो यार, रेस्पॉन्स दो, घुमा फिरा के जितने भी देना दो, चप्पड़ फाड़ के रेस्पॉन्स देना चाहिए भाई इस वीडियो को। और यार चलते हैं अपने, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए परमानेंट को सपोर्ट करते रहो, परमानेंट देखते रहो। 5:30 बजे आता है और 6 बजे आता है मार्बल पे, 5:30 बजे आता है हंगामा पे, तो देखना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय परमानेंट फैंस।